यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। ये है हमारी खास पेशकश देश की आवाज, जहां पर हम मुद्दे उठाते हैं और आप यानी कि जनता हम तक अपनी राय पहुंचाती है। लेकिन आज का मुद्दा उठाने से पहले सबसे पहले रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। जी हां, बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवाते चलें। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, दिल्ली से यह बड़ी खबर और हमला उन्होंने बोला है। विजय माल्या के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दें। माल्या को भारत लाने का प्रयास हो रहा है, पात्रा ने यह कहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा दें और कांग्रेस जो है वो भ्रम फैला रही है, ये भी कहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। माल्या ने झूठ बोला है। माल्या को भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब कहा है। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला जो कि पात्रा ने किया है। इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। विजय माल्या के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है बीजेपी। आपको बता दें भारत लाने का प्रयास हो रहा है, ये सब कहना है पात्रा का। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है जो माल्या है वो झूठे हैं और कांग्रेस भ्रम फैला रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू हम करवा रहे हैं। माल्या ने झूठ बोला है, पात्रा ने यह कहा है। आपको बता दें बीजेपी का यह बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर। और चलिए अब चलते हैं आज के मुद्दे की तरफ। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों से नमो ऐप के जरिए बात की है। उन्होंने कहा है कि 28 करोड़ नए बैंक खाते खोले गए हैं। ये इस अवधि में पूरे विश्व में खोले गए कुल खातों का 55% है। अब सामाजिक व्यवस्था बदल रही है। आज प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लाइफ कवर के रूप में कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं दो बीमा और एक पेंशन योजना भी शुरू की है। इसी का नतीजा है कि आज 2018 में करीब 50 करोड़ लोग तमाम जन सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थी हैं। पीएम ने लाभार्थियों से बात के दौरान उनके सवालों का जवाब भी दिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बारे में दूसरे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बात कर उन्हें योजनाओं के बारे में बताते हैं, लेकिन इसे पीएम का प्रचार से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव स्तर पर है। मिशन 2019 को फतेह करने के लिए सभी पार्टियां काफी जोर भी लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता बीजेपी के विजयी रथ को आगे बढ़ाने में जुटा है। ऐसे में पीएम का यूं नमो ऐप के जरिए लाभार्थियों से बात करना और सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में बताना किस ओर संकेत करता है, किस ओर इशारा करता है, इस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। जो नमो ऐप के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बात की है लाभार्थियों से और बात के दौरान जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं हैं, जो उनकी रणनीति है, उन्हें भी जनता के सामने रखा है और किसको किस योजना से कितना लाभ हुआ है, या यूं कह लीजिए कि एक तरह से प्रचार भी किया जा रहा है योजनाओं का, तो कहीं ना कहीं ये किस और इशारा करता है। 2019 के चुनाव आने वाले हैं और इस तरह बार बार बात करना नमो ऐप के जरिए और बार बार अपनी योजनाओं का गुणगान करना, केंद्र सरकार के कार्यों का बखान करना, इशारा किस और करता है। गौर करने वाली बात है कि चुनाव भी आने वाले हैं और जो बीजेपी कार्यकर्ता है, एक एक कार्यकर्ता पूरे तरीके से ये कोशिश कर रहा है कि कैसे ना कैसे करके आने वाले चुनावों में अपने जो विजय रथ है, उनका मोदी रथ है जिसे विजय रथ के नाम से जाना जाता है, उसके द्वारा 2019 के जो आगामी चुनाव है उन पर फतेह कर ली जाए। तो आपको बता दें आज नमो ऐप के जरिए बात की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जहां पर उन्होंने राज्यों में कई राज्यों के कई लोगों से, लाभार्थियों से, नमो ऐप के लाभार्थियों से और जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है उन योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे भी बात की है और साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं का गुणगान क्या है, बखान क्या है, बताया है कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है इन चार सालों में जो वक्त जनता ने सरकार को दिया उस वक्त में कितना बदलाव हुआ है, विकास की ओर भारत कितना बढ़ा है और जनधन योजना के तहत कितनी चीजें हैं जो बदली हैं, साथ ही कितने बैंक खाते हैं जो खुले हैं और जो दलित हैं, जो वंचित हैं, उन्हें भी कितना लाभ मिला है। यह सब आज की नमो ऐप के जरिए जो संबोधन किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने बखान किया है। तो मोदी का संवाद या चुनावी प्रचार,
देश की आवाज में आज का मुद्दा। पीएम मोदी कर रहे हैं लंबे लंबे दावे, लंबे लंबे दावों की लिस्ट थमा दी है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी दावे किए हैं, साथ ही बीमा योजना, पेंशन योजना को सफल बताया है उन्होंने, मेडिकल एक्सीडेंट योजना को भी कामयाब बताया है। और देश की आवाज का ये मुद्दा मोदी ने सीधा संवाद किया है नमो ऐप के जरिए, कहां दलितों वंचितों को विशेष लाभ मिला है। साथ ही आपको बता दें, क्या मोदी के दावों से सहमत हैं आप? आज का बड़ा सवाल, कितनी सफल हुई है जन सुरक्षा योजनाएं? क्या लगता है आपको, मोदी का संवाद या चुनावी प्रचार? तो देश की आवाज की आज के सवाल, जो मोदी का संवाद है वो संवाद है या फिर प्रचार है? और करमबीर पानीपत से हमारे साथ दर्शक पहले जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कुछ राय है इस पर आपकी? जी मैडम, देखिए जो किसान वर्ग होगा वो किसान खेती की बात करेगा, व्यापारी वर्ग बिजनेस की बात करेगा। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ। 2015 में मोदी ने लाल किले से भाषण दिया था कि हर स्टेट में सी और डी ग्रेड में इंटरव्यू को खत्म कर दिया जाएगा। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने 4 साल में हरियाणा में एक व्यक्ति को भी अगर बिना इंटरव्यू के लगाया हो, इन्होंने बता दी है। कल भी हम HSC के सामने प्रदर्शन किया हमने, मैं पीजीटी पात्र संघ का एक मेंबर हूँ। पंचकुला में हम कल रहे HSC के सामने, किसी ने सुध नहीं ली, कोई बोलने वाला नहीं है। 4 साल से हम बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, एलिजिबल हैं, कहाँ है, क्या कर रहे हैं मोदी? जुमलेबाजी ज्यादा की जा रही है जी। युवाओं ने वोट दिया, हमने वोट दिया, कौन वोट देगा 19 में इसको? सारे युवा हम परेशान, कल पंचकुला में हम पड़े रहे शाम तक, आप देखिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक पानीपत से अवनमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, स्वागत है आपका भी खबरें अभी तक पर। क्या राय है इस पर आपकी, ये संवाद है या फिर प्रचार है? मैडम जी, ये कोई नहीं काम करते, ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं जी। और चुनाव का प्रचार करते हैं अपना। इन्होंने 4 साल कुछ नहीं किया, ना ही इन्होंने बेरोजगारों की सोची, ना ही इन्होंने किसानों की सोची। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हरिजन बैक वर्ड पर अत्याचार हो रहे हैं जी। इन्होंने किया है, अपना पेट भरा है। और मैं तो सवेरे रोजाना देखता हूँ अपना अकाउंट में, जब 15 लाख रुपए कब आएंगे, ना ही आज तक वो 15 लाख रुपए आए मेरे अकाउंट में तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल करिए और अपनी राय दीजिए, देश की आवाज बनिए। और मध्य प्रदेश अगले दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या राय है इस पर आपकी? थैंक यू मैडम जी। देश के वो आज भाषण देने वालों की नहीं, कुछ करने वालों और जनता की सुनने वालों की जरूरत है। देश में नया सामंतवाद दस्तक दे गया है। मोदी जी के कार्यक्रम सारे प्रायोजित हैं तथा कथित विकास के दावे हैं। देश के खजाने को ठिकाने लगाया जा रहा है। अच्छी अच्छी जो योजनाओं को क्रियान्वयन गलत है, धोखाधड़ी की जा रही है, इसके लिए विपक्ष बराबर जिम्मेदार है। बल्कि मैं तो कहता हूँ विपक्ष ज्यादा जिम्मेदार है। मोदी जी के संवाद, 5 साल चुनावी प्रचार करते हैं ये लोग। जन सुरक्षाएं धता बता रही है, ब्लैकमेलिंग की योजनाएं है। हितग्राहियों को से पूछा जाए, कहीं भी वो लाभान्वित नहीं हुए हैं। आप मेरिट लिस्ट से हितग्राहियों को अगर लाभ को उनको कर्जदार बनाया है, तमाम हितग्राही जो है आत्महत्या का जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक मध्य प्रदेश से राय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राय सिंह, स्वागत है आपका खबरें अभी तक में, क्या राय है इस पर आपकी? जी मैडम, मेरा यह कहना है जी, प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या आश्वासन देते रहते हैं जी। हेलो जी, क्या राय है इस पर आपकी? मतलब मेरी राय यह है कि प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या आश्वासन देते रहते हैं जी। 2014 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था जी, किस बिहार पे जीत के आए थे जी? गरीबों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे जी। जवान नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी जी। काना धन वापस लिया जाएगा जी। और जो कश्मीर वाले हमारा 1 सर काट के ले गए, 10 सर काट के लाएंगे जी। इनका एवरेज लगाइए कांग्रेस की 10 साल में और इसकी 4 साल में क्या एवरेज निकलता है? कितने हमारे जवान शहीद हुए, कितने सिविलियन शहीद हुए हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगली दर्शक रितु हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं लखनऊ से, क्या है आपकी इस पर राय नीतू जी?
हाँ मैम, मेरी राय ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब सरकार बनाई थी तो बहुत वादे किए जी, कोई भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया है। जितनी योजनाओं का ये नाम लेते हैं और जिन व्यक्तियों को दिखाते हैं लाभ लेते हुए, ये सब चुनावी स्टंट है। 4.5 साल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उज्ज्वला योजना के बारे में बताते हैं तो मैम आपको मैं खुद बता दूं, मैंने ऐसे कई लोगों से बात की जिनको ये सिलेंडर मिला है, लेकिन वो कहते हैं ये सिलेंडर फ्री में नहीं है। जैसे हमारे अकाउंट में सब्सिडी आती है सिलेंडर लेने के बाद, तो इनके उनके अकाउंट में सब्सिडी तब तक नहीं आएगी जब तक कि सिलेंडर और चूल्हे का पेमेंट नहीं निकल जाएगा। और प्रधानमंत्री आवास योजना का जिसका ये बखान करते हैं, उसमें मैम जिन लोगों का नाम आ गया है उनसे ये अभी मांग रहे हैं 25,000 रुपया अभी हमें दीजिए और इंस्टॉलमेंट आपकी शुरू हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। अगले दर्शक के पास चलते हैं, राजकुमार रोहतक से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या कुछ मत है इस पर आपका? नमस्कार जी। जी जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो दिन को अगर रात का हो रात कहेंगे, हर बात को कहेंगे सिर्फ तुमने। पीएम साहब आप सपने देख रहे, आप हकीकत से कोसों दूर, मेरी आवाज सुनो तो जवाब देना जरूर। बैठे हैं कुछ लोग आज सत्ता के नशे में चूर, सरकारी योजनाएं कागजों में और प्रचार है भरपूर, ऐसे लोग दोबारा कमल नहीं खिला पाएंगे। सच कहता हूँ लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आप ही बता देना अच्छे दिन कब आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और अपनी जो राय ये रखी है आपने, अनोखी राय रखी है, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ दिनेश नरवाना से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। क्या राय है, क्या मत है इस पर आपका? जी दिनेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? क्या मत है इस पर आपका? ऐसा है जी, जी जो जम्मू कश्मीर में हमारे बच्चे शहीद हुए हैं इस 3-4 साल के अंदर, ये उसको वहाँ की चीफ मिनिस्टर को दोषी बताने लग रहे हैं ये बीजेपी या मोदी, बहुत बड़ी शर्म की चीज है। जिनके बच्चे गए हैं उनसे पूछ के देखो। और आज उसने बयान दिया है, मतलब जो कुछ भी मैंने किया है स्पष्ट मैंने बीजेपी की सरकार के हर नुमाइंदे से पूछ करके किया है। पत्थरबाजों के केस वापिस लिए, मोदी से पूछा, फलानी चीज करी, मतलब मैंने सरकार से पूछी। ये कैसे मेरे को कहते हैं, ये 3 साल पहले इन्होंने सरकार राष्ट्रपति शासन लागू क्यों नहीं किया? आज कहते हैं कि एक पैसा नहीं लगाया, वो पैसा दिया है तो लग गया होगा, नहीं लगा तो इन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज में हमारे साथ जुड़िए। और अगले दर्शक नरेंद्र हमारे साथ यूपी से जुड़ चुके हैं, नरेंद्र जी क्या राय है आपकी? जी मैम, पहले तो मैं अभी तक का धन्यवाद दूंगा कि जो कम से कम देश की आवाज और ये प्रधानमंत्री जी के रूबरू कराने का दिया कि एप के थ्रू ही, तो इसलिए मैं अभी तक कैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और ये अपनी राय देने के लिए बहुत बहुत वो। जी अपनी राय रखें। तो हमारा संपर्क कट चुका है, लेकिन आपको बता दें मोहम्मद खीरी से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, क्या राय है इस पर आपकी? जी हमारा राय यही है, ये पीएम मोदी जो है ये जो दिखा रहे हैं इस पे जो है ये काला दिवस मना रहे हैं और बाकी मुद्दों से मतलब उसको नजरअंदाज कर रहे हैं जी। ये हमारा सर इसी पे कहता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज बनिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए, उस महकमे तक पहुंचाइए कि क्या सोचते हैं, क्या राय है इस पर आपकी। और अगले दर्शक रवि मेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम जी। मोदी जी खूब जोर लगा रहे हैं भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसी जड़ फैल चुकी है समाज में, वो खत्म नहीं होगी। अब मैं हाल ही में एक राजस्थान का आपको मामला बताता हूँ, एक गरीब परिवार की लड़कियां हैं, उनकी शादी के लिए गवर्नमेंट 50,000 रुपए 51,000 रुपए उनके खाते में देती है, जब गुड़िया जो होती है लड़की जो होती है 18 साल की हो जाती है। लेकिन वहां पे इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि जो डिपार्टमेंट है वो पहले तो 10,000 रुपए लेते हैं कि भाई हम आपके अकाउंट में गुड़िया के अकाउंट में 50,000 रुपए डाल देंगे, लेकिन उसकी एवज में आप हमें पहले 10,000 रुपए दीजिए, तब जाके वो 50,000 रुपए डालते हैं। अब 50,000 के अंदर 10,000 तो वो खुद ही ले लेते हैं जी। अब कहाँ
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। तो आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। और आज का सवाल है, मोदी का जो नमो ऐप के जरिए संवाद होता है, क्या वो सचमुच संवाद है या फिर जो आगामी चुनाव है उनके लिए प्रचार है, जहां पर मोदी सरकार अपनी योजनाओं का, अपने कार्यों का यानी कि केंद्र के कार्यों का बखान करती नजर आती है, जहां पर मोदी जी ये बताते नजर आते हैं कि किस योजना से कितना लाभ हुआ है, किस व्यक्ति को लाभ हुआ है, और लाभार्थियों के साथ इस दौरान वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं, जनता को संबोधित करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आगामी चुनाव है 2019 के, अब मोदी के दावों से क्या आप सहमत हैं और कितनी सफल हुई है मोदी सरकार की योजनाएं, साथ ही मोदी का ये संवाद है या फिर चुनावी प्रचार है, देश की आवाज का आज का मुद्दा जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मनमोहन सोनीपत हरियाणा से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या राय है आपकी? हेलो जी, क्या राय है आपकी? जी मोदी जी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है जी, और अभी उन्हें समय लगेगा, कोई भी सरकार आई है तो 5 साल में किसी ने इतना कुछ नहीं किया है, जिस हिसाब से मोदी जी की स्पीड चल रही है, और वो धीरे धीरे बदलाव लाएंगे, हिंदुस्तान बदलेगा और बहुत बदलेगा, अगर करना है तो सब्र करें, सब्र से सब कुछ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय को हम तक पहुँचाने के लिए। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। और सुरेश अगले दर्शक चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर, क्या राय है इस पर आपकी? क्या मोदी जी को चाहिए कि देश में लोगों को रोजगार दें जी, फालतू के भाषण से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक क्या तरक्की होगी देश, तो आज रोजगार की जरूरत है, मोदी जी को ये रोजगार दें जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक लव मोकॉल हमारे साथ पंचकुला से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या कुछ राय है लव मोकॉल आपकी? दीक्षिका जी, मेरे हिसाब से मोदी जी की सिर्फ अभी तक तो स्वच्छ भारत अभियान वाली योजना कामयाब रही है, बाकी सब अभी चल रही है, उनका रिजल्ट नहीं देखने को मिला जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। और श्याम अगले दर्शक महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या कुछ राय है आपकी इस पर? हाँ मैडम धन्यवाद, आपका पहले तो नंबर नहीं लग रहा था लेकिन अब लगा जी। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग जो मोदी जी की बोल रहे हैं हमको 15 लाख नहीं मिले, 15 लाख नहीं मिले, फुकट में 15 लाख होना, मोदी जी ने कहा था ये कि भाई इतने पैसे बाहर पड़े है कि हम वो अगर यहाँ हमारे देश में आए तो हर एक के जितनी पब्लिक है वो हिसाब से 15-15 लाख एक को आ सकते हैं, ऐसा बोला था, नके बोला था तुम्हारे अकाउंट में भेजूंगा, तो बार बार ये लोग ऐसा है क्या, ये कोई प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं ना मैडम? जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक मोहम्मद खीरी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मोहम्मद जी क्या राय है आपकी? हेलो जी, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं, क्या राय है आपकी? जी हमारा यही कहना है, ये पीएम मोदी जो है सर, ये हमारे पीएम मोदी जो दिखा रहे हैं, पहला दिवस मना रहे हैं, इस पे हम हमारा संपर्क कर चुका है, लेकिन अपने दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि जब वो हमारे साथ बातचीत करे तो अपने टीवी की वॉल्यूम को जरा कम रखे ताकि उनके और हमारे संवाद में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, फोन उठाइए हमें कॉल कीजिए, देश की आवाज बनिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाइए। आज के सवाल है आपके सामने, जो सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दावे किए गए हैं, बीमा योजना पेंशन योजना को सफल बताया गया है आज के नमो ऐप के संबोधन के जरिए, मेडिकल एक्सीडेंट योजना को कामयाब बताया गया है जो मोदी ने सीधा संवाद किया है, क्या लगता है आपको कितना सफल हुआ है वो, और ये संवाद है या फिर प्रचार है, क्योंकि नमो ऐप के जरिए इस तरह बात करना और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान करना, अपने कार्यों का बखान करना, कहीं 2019 के जो आगामी चुनाव है उनकी कोई तैयारी तो नहीं या उनके लिए प्रचार तो नहीं, तो मोदी जी का ये संवाद है या फिर प्रचार है, इस पर आप हमें अपनी राय दे सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किया जा रहा है, फोन उठाइए, कॉल कीजिए, देश की आवाज बनिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाइए, जनता तक पहुंचाइए, क्या सोचते हैं आप इस पर, क्या राय है इस पर आपकी? मोदी जी ने आज नमो ऐप के जरिए सीधा संवाद किया है
और अगले दर्शक सुरेंद्र करनाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या राय है आपकी? जी सुरेंद्र, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। जी क्या राय है आपकी? देखिए मैडम जी, ये बहुत अच्छा सवाल था आपने जो जी। पहले तो मैं इसका धन्यवाद करता हूँ जी। जी तो देखिए जी, आज काम की बात करते हैं। कल्ले मोदी जी से काम नहीं चलेगा, वो तो ऊपर ईमानदार है, नीचे भी तो होना पड़ेगा जी। कल्ले मोदी से काम नहीं चलेगा जी। जी हम सबने ईमानदार होना पड़ेगा नीचे लग जी, यही हम राय रखना चाह रहे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को रखने के लिए। और दिनेश मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, आपकी क्या राय है? थैंक यू मैडम जी। बेबाकी से इसलिए बोलता हूँ कि जान की कीमत पर भी समझौता नहीं करूंगा जी। जैसे कहा गया कि अभी एक हमारे साथी द्वारा के मोदी जी ईमानदार हैं जी, मुझे संदेह इसलिए है जी। उन्होंने भ्रष्टाचार हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय को हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ अगले दर्शक मोहिंदर शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहिंदर जी स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर, क्या राय है आपकी? नमस्कार मैडम जी। मैडम ये मोदी जी ने जो एटीएम की अकाउंट लिमिट जो की है, एक तो ये गलत है। अब मान लीजिए अकाउंट में मोदी जी ने कह दिया कि 2500-3000 रुपए से कम होंगे तो चार्जेस कटेगा। अब गरीब आदमी के पास में 2500-3000 रुपए कहाँ तक रखेगा वो अकाउंट में, बताइए। इमरजेंसी कभी भी पड़ सकती है उसको, कभी भी अपने 2500-3000 रुपए अकाउंट से निकलवाने पड़ सकते हैं। इमरजेंसी में तो यूज करेगा ना, अगर वो अपने यूज अपने पैसे खुद ही यूज कर रहे हैं, उस पर भी कटौती कर रहे हैं।